गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एक डिफिनिट इंटीग्रेशन का सम है जो जेई आईआईटी में आता है। कैसे करते हैं इसको देखते हैं। इसको हमने आई मान लिया और यहाँ पे 0 to 1 लिख दिया और ये लिख दिया 10 इनवर्स। नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 1 + x कॉमन ले लेंगे तो 1 - x होगा। अब यहाँ प्लस है तो ऊपर में क्या कर देंगे, ऐसे माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसी को देख के ऊपर में लिख देंगे और ये हो गया dx। अब रूल के हिसाब से इसको 10 inverse x - y 1 + x into y इसको ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 inverse x माइनस ये हो जाएगा आपका 10 inverse ये y हो जाएगा। इन्वर्स का ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, ये i है, नेक्स्ट वाली लाइन में x को रिप्लेस कर देंगे, किससे, 1 - x। ऐसा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 inverse 1 - x और dx 0 to 1। यहाँ पे अगर हम 1 - x लिखेंगे तो 1 कट जाएगा, x आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 inverse x। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इस ये 10 inverse आगे नेगेटिव आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने कॉमन ले लिया है, इंटीग्रेशन 0 to 1 10 inverse x और dx, फिर यहाँ पे माइनस 0 to 1 ये हो गया 10 inverse 1 - x और dx, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये शुरू से i चला रहा था। अच्छा, इसके बदले में हमने क्या मान लिया है, i। तो ये वाला देखिए सेम टू सेम आ गया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस i। तो ये i + i = 0, 2i = 0, therefore i = 0। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।